मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ यूनिक किया जाए। हाँ, आज का एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए इसे घर पे ट्राई ना करें। ये है सल्फर पाउडर और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों की मदद से हम एक अनस्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं। सबसे पहले एक बीकर में सल्फर पाउडर ले ले रहे हैं। फिर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। इन दोनों को 2:1 में लेनी है। फिर मिक्स करने के बाद तैयार है ये यूनिक कंपाउंड। इसके टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा इस पर रखकर जलाएंगे। आप देख पा रहे हो कि ये कैसे जल रहा है। अब अलग लेवल पर करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में केमिकल को भर लेंगे, फिर बर्न करेंगे। ओहो, मोस्ट डेंजरस। एक समय तो ऐसा लगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। अब इससे बड़े लेवल पर करेंगे। बड़े टेस्ट ट्यूब में केमिकल को भर ले रहे हैं। फिर हम आग नहीं जलाएंगे, अब इस केमिकल का प्रयोग करेंगे। यह है किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसके रिएक्शन से हानिकारक गैस प्रोड्यूस होता है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है।
इसको और ज्यादा ऑक्सीजन मिले, इसलिए इसको बाहर रिएक्ट कराएंगे। आप देख पा रहे हो कि ये कंपाउंड कितना अनस्टेबल है, तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फायर हो जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब प्लीज नहीं किए ना, कर दो भाई कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।